हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एससी एसटी एक्ट की सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ जहां हम चैप्टर 3 को डील करने वाले हैं, सेक्शन 10 से 13 तक। रिमूव दी ऑफेंडर, ये क्या कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए एक एरिया है जहां पे कोई एक व्यक्ति ऐसा अपराध कर सकता है, तो उसको यहां से स्पेशल कोर्ट आदेश दे सकती है कि तुम यहां से निकलो, इस एरिया में दिखना मत। कितने समय तक, वो सब हम जानेंगे। 3 ईयर्स का जो समय है उसका क्या प्रावधान है, ये सारा सेक्शन 10 से लेकर 13 तक दिया गया है। अगर कोर्ट की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा, बीच में आ जाएगा तो क्या होगा। यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस एक्ट का, जिसको समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। एससी एसटी एक्ट के हार्डली 2 लेक्चर और बनेंगे। पहले वाले लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनको जरूर देख लें। और साथ ही साथ अगर लगता है आपको वीडियो अच्छे हैं तो इनको शेयर भी किया करें। चलते हैं अपने बेयर एक्ट पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3, जो बात करता है एक्सटर्नमेंट की। एक्सटर्नमेंट का मतलब होता है निष्कासन, यानी कि मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ये एप्रीहेंशन ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, ऐसा लगता है कि ये वो अपराध कारित कर सकता है या इसने ऐसा अपराध किया है, तो एक पर्टिकुलर एरिया या सोसाइटी से इसको वहां से निकालना, तो जो आपका चैप्टर 3 है वो इसी से डील करता है। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 10 के ऊपर। देखिए सेक्शन 10 क्या कहता है, रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस। पहली चीज तो ये बता दूं कि एमसीक्यू साइड से इंडेक्स बेस्ड ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये एमपी एडीपीओ का, एमपी का जो एग्जाम था हायर जुडिशरी वाला, ठीक है, वहां पे भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2-3 एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है। 2010 के एडीपीओ एग्जाम में भी इसको पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अब इसको आगे डील करते हैं। फर्दर क्या कहता है कि वेयर अ स्पेशल कोर्ट इज सेटिस्फाइड, मैं इसकी जिस्ट बता देता हूं आपको। देखिए जहां पे स्पेशल कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई ऐसा अपराध जो एससी एसटी एक्ट में ऑफेंस है वो कर सकता है, कैसे पता लगा कोर्ट को, इधर ऑन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर पुलिस ने उसको बताया, या फिर किसी कंप्लेंट के द्वारा। किसके द्वारा, कंप्लेंट के द्वारा, किसी ने सीधी शिकायत की है। तो उस केस में क्या होगा, कौन से अपराध जो अभी हम पढ़ के आए ना, सेक्शन 3 से लेकर 9 तक के ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज, जो हमने अभी तक एट्रोसिटीज के ऑफेंस पढ़े हैं, अत्याचार के जो अपराध पढ़े हैं उनके बारे में बात करता है, ठीक है। तो जो कोई स्केड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, जैसा कि आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहा है, या फिर इसी के सेक्शन 21 को पढ़ेंगे हम, तो वहां पर भी ऐसे एरिया आइडेंटिफाइड किए गए हैं, तो उस केस में क्या कर सकता है कि एक राइटिंग में ऑर्डर इशू करेगा कोर्ट, और उस व्यक्ति को डायरेक्शन देगा कि भैया ऐसा तुम यहां से चले जाओ, यू गो आउट ऑफ दिस एरिया। कैसे जाना है, कौन से रूट से जाना है, कितने समय में जाना है, सब हम तुम्हें बताएंगे। तुम ये वाला रोड है, इससे जाओ, इस रास्ते से निकलो, और उसे बस निकल जाओ यहां से इस समय तक। एंड नॉट टू रिटर्न, और वापस मत आना। कब तक नहीं आना, जब तक हम नहीं कहते। तो बोला साहब कब तक, बोला कोर्ट के ऊपर भी एक लिमिट लगा दी गई कि 3 साल से ज्यादा का उसको निकाला, देश निकाला एक तरह से कह सकते हैं, उस एरिया से 3 साल से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। तो स्पेशल कोर्ट ऑन पुलिस रिपोर्ट और ऑन कंप्लेन एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट द ऑफेंस ऑफ एससी एंड एसटी फ्रॉम सेक्शन 3 to 9 चैप्टर 2 कैन बी ऑर्डर्ड बाय द स्पेशल कोर्ट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम दैट कोर्ट। ठीक है भाई, ये तो कोर्ट का आदेश है, बंदा चला गया। 3 साल तक का समय सीमा, जो इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बनता है वो कहां तक बनता है, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, ये मार्क कर लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, ये ऑर्डर देने के साथ साथ उस व्यक्ति से कम्युनिकेट करेगा। क्या कम्युनिकेट करेगा, कि हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। दिस इज नॉट डार्क एज, डार्क एज में क्या होता था, देयर वॉज नो रीजन, बट यहां पर रीजन आया है, तो इंडिविजुअल को बताया जाएगा कि आपको क्यों निकाला जा रहा है, ये कारण भी उसको बताया जाएगा उस आदेश के साथ ही। अब फिर बाद में कहता है कि द स्पेशल कोर्ट मे रिवोक, मॉडिफाई,
अपने इस आदेश को स्पेशल कोर्ट भाई बिल्कुल वापस ले सकता है, इसमें अल्टरेशन कर सकता है। जैसे मान लीजिए पहले 2 साल के लिए उसको बोला गया, फिर उसको 6 महीने कर सकता है, 2 महीने कर सकता है, या बढ़ा भी सकता है। ठीक है, रीजन रिकॉर्ड करेगा कि उसने क्यों उसको अल्टरेशन किया है। ठीक है, और उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ ऐसा आदेश है उसको दिया जाएगा विद इन 30 डेज फ्रॉम दी ऑर्डर। कितना? 30 दिन के भीतर। तो समय सीमा कितनी है? 30 दिन की है। यानी कि यहां पे क्या है कि स्पेशल कोर्ट ने क्या किया, जिस इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ऐसा ऑर्डर जारी किया था, ठीक है, अब वहां पे क्या है, 30 दिन के भीतर इसमें चेंज किया जा सकता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहां पे आके कहता है तो। कितना टाइम लिमिट है? 30 डेज। अब आते हैं सेक्शन 11 में। सेक्शन 11 क्या कहता है, थोड़ा सा फास्ट पेस पे रहेंगे। प्रोसीजर ऑन फेलियर ऑफ अ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ। भैया देखिए, सेक्शन 10 में आपको एक आदेश मिला कि आप यहां से चले जाइए, लेकिन आप जाने को तैयार नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसी डायरेक्शंस जो सेक्शन 10 में हुई है और वो अपने आप को रिमूव नहीं करता है जैसी डायरेक्शन मिली, या रिमूव तो कर लेता है लेकिन उसको बोला गया था कि 2 साल तक नहीं आना। कब तक नहीं आना? 2 साल तक। अब वो भाई साहब क्या किए, 8 महीने में ही मन नहीं लगा, होम सिकनेस होने लगी और वापस आ गए। तो कैसे आया? बिना किसी परमिशन के। तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा कि वहां पे क्या करेगा, उसको पुलिस कस्टडी में वहां से फिर से रिमूव करा देगा। पुलिस को बुलाएगा और बोलेगा कि इसको पकड़ के छोड़ गया हो, इसको नहीं रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये सेक्शन 11 का सब सेक्शन 1 है। 2 कहता है कि स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है, राइटिंग में एक आदेश जारी करेगा और उसे परमिट कर सकता है। ठीक है, कि ठीक है भाई तुम आ जाओ, वापिस आ जाओ, कोई बात नहीं है। ठीक है, किसी टेम्परेरी पीरियड के लिए भी, ठीक है कुछ समय के लिए आ जाओ, अपने घर वालों से मिल लो फिर चले जाना। ये उससे बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करा सकता है और विद और विदाउट श्योरिटी ले सकता है कि भाई ठीक है तुम आओगे तो देखो यू हैव टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। सेक्शन 106 को भी कन्विक्शन भी होता है, इसलिए बात नहीं कर रहे हम। और 110 तक बॉन्ड लिए जाते हैं सीआरपीसी के अंदर बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, अंडरस्टूड। तो वैसे उससे बॉन्ड लिया जाएगा। द स्पेशल कोर्ट मे एट एनी टाइम रिवोक सच परमिशन। और किसी भी टाइम मान लीजिए परमिशन दे देगी टेम्परेरी आ जाओ, तो न्यायालय जब चाहे ऐसी परमिशन को रिवोक भी कर सकता है। सब सेक्शन 4 कहता है कि एनी पर्सन हु विद सच परमिशन रिटर्न टू द एरिया। अब मिस्टर ए ने कहा कि साहब मुझे सेक्शन 10 में आपने बाहर निकाल दिया था, मैं वापस आना चाहता हूं। कोर्ट ने कहा कि ठीक है यू बॉन्ड भरो विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, और आप आ जाओ अपने एरिया में। अब वो अपने एरिया में वापस आ गया। ठीक है, अब वो सारी कंडीशन जो उसके ऊपर इम्पोज की गई है ना इस बॉन्ड के द्वारा, वो सारी की सारी वो फुलफिल करेगा। और एक्सपायरी जब उसकी हो जाएगी, उसको दिया गया था कि तुम 3 मंथ के लिए आ सकते हो, अपने 3 मंथ्स के लिए अगर अपने काम संभाल सकते, जैसे पैरोल पे आते हैं। ठीक है, तो जब रिवोकेशन होगा उस परमिशन का एक्सपायरी से पहले, तो वो अपने आप को रिन्यू कर लेगा। अब और कब तक वापस नहीं आएगा? जब तक कि उसका बाकी समय नहीं बचा है या दोबारा से फ्रेश परमिशन नहीं दे जाती। मान लीजिए 3 महीने की परमिशन थी, या तो 3 महीने पूरे होने पर या 3 महीने से पहले स्पेशल कोर्ट रिवोक कर लेता है उस कंडीशन में, तो क्या होगा भी वो वहां से चला जाएगा। और जब तक जो सेक्शन 10 का आदेश हुआ था, इनिशियल आदेश जो दिया गया था सेक्शन 10 में, जब तक उसकी समय सीमा पूरी नहीं होगी वापस नहीं आएगा। इफ अ पर्सन फेल टू ऑब्जर्व एनी कंडीशन। अब जो बॉन्ड भरा था उसकी कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता, बदमाश आदमी आया था आराम से फिर आके वही काम कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बिना फ्रेश परमिशन के कोर्ट क्या करेगा, उसे अरेस्ट कराएगा और उस एरिया से रिमूव करा देगा कि भागो तुम यहां से, दोबारा मत दिखना अब यहां बस। ठीक है, जब तक कि आपकी समय सीमा पूरी नहीं होती। अब सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 कहता है टेकिंग मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ। यहां से भी आपका एमसीक्यू बनता है, मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। मैं आपको वो चीजें मार्क करा रहा हूं जहां से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनको आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिख सकते हैं। अब मेजरमेंट की क्या बात आ रही है, किसी व्यक्ति को मान लो पकड़ा जाएगा, तो आपने मूवीज में देखा होगा
हाथ में एक वो जो स्लेट होती है ना, छोटे वाला राइटिंग बोर्ड होता है, उसको लेके उस पर अपना नाम लिख के फोटो खिंचवाते हैं, कभी तिर साइड से, सामने से, तो पूरा मेजरमेंट लिया जाता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ ऐसा आदेश पारित किया गया सेक्शन 10 में, तो भैया स्पेशल कोर्ट अगर चाहे तो अलाउ कर सकता है उसका मेजरमेंट और फोटोग्राफ टू बी टेकन बाय पुलिस ऑफिसर। भाई कैसे पता लगेगा नहीं तो कि वो वापस आ गया, तो पुलिस वाला उसका मेजरमेंट लेगा, हाइट कितनी है, ठीक है, उसका फोटोग्राफ लेगा, लेकिन कब लेगा, जब ये स्पेशल कोर्ट उसको ऑथराइज करेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ये लाइन याद रखिएगा, स्पेशल कोर्ट को अगर लगता है तो वो पुलिस अधिकारी को ऑथराइज कर सकता है उसका फोटो लेने के लिए और मेजरमेंट लेने के लिए, किस व्यक्ति का, जिसके खिलाफ धारा 10 के अंदर आदेश जारी किया गया है टू रिमूव फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। ये लाइन से ही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला किसके बारे में बात कह रहा है, नेक्स्ट बात करता है, इफ एनी पर्सन रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 व्हेन रिक्वायर्ड टू अलाउ हिज मेजरमेंट। अभी मान लीजिए जिस व्यक्ति का आपने कहा पुलिस वाले को कि ठीक है जी आप जाके इसका मेजरमेंट ले लो, लेकिन पुलिस वाले तो जब पहुंचा लेने मेजरमेंट तो बोल रहा है पुलिस वाले को हमें हाथ मत लगाना, देख लो हम क्या कर देंगे तुम्हारे साथ, तो ठीक है, तो वहां पे वो रजिस्टर करता है, तो भैया उसके लिए फोटोग्राफ लेने के लिए ये लॉफुल होगा, ये लॉफुल होगा कि उसके सारे के सारे दाम दंड भेद लगा दिए जाए, यानी एक फोर्स यूज कर सकते हो आप, बट वो एक अलग चीज आ जाती है कि नो अंडू रिस्ट्रेंट। कहां पढ़ते हैं हम, सेक्शन 49 ऑफ सीआरपीसी में पढ़ते ना, अरेस्ट के लिए लिंक कर देना है तुरंत जहां जो चीज मिले, इसी से चीजें जल्दी से जल्दी आपकी समझ में आएंगी और बेहतर तरीके से आप समझेंगे। रेजिस्टेंस टू रिफ्यूजल टू अलाउ टेकिंग मेजरमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द ऑफेंस अंडर सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। भाई देखिए, अगर कोई रिफ्यूज करेगा तो ये माना जाएगा कि धारा 186 के तहत आपने आदेश की अवहेलना की है और आपके ऊपर आईपीसी 186 लगा दी जाएगी। अब ये आपका होमवर्क है कि पता है, यहाँ पे अपने नोट्स में लिखिएगा कि आईपीसी 186 किसके बारे में बात करती है, ठीक है, इट्स योर होमवर्क। ये मैं चीजें इसलिए बोलता हूँ ताकि आप एक बार आईपीसी खोलें और वहां जाएं, और वहां जाएंगे तो आप एक दो प्रोविजन पढ़ के ही आएंगे जिससे आपकी जो है लिंक करने की जो कैपेबिलिटी वो ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ पे रिवोक कर लिया जाता है धारा 10 का जो आदेश है, मेजरमेंट और जो फोटोग्राफ लिए थे, जो नेगेटिव वगैरह लिए थे आपने, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे या उस व्यक्ति को सौंप दिए जाएंगे। भाई ठीक है, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मेरे जो फोटोग्राफ और वो सब है मुझे दे दिए जाए, तो यहाँ से सेक्शन 12 में किसी को कोई समस्या, समझ गए आप। अब आते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 किसके बारे में बात कर रहा है, पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द अंडर सेक्शन 10। भाई सेक्शन 10 में आपको आदेश मिला कि आप चले जाइए, लेकिन जाने कोई तैयार नहीं है बंदा, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ धारा 10 का एक आदेश जारी किया गया और वो उस आदेश की पालना नहीं करता, उस आदेश को नहीं मानता है, किसने आदेश जारी किया था, स्पेशल कोर्ट ने, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन। अगेन MCQ पनिशमेंट याद रखिएगा, अगर सेक्शन 10 का आदेश नहीं मानेंगे तो जो सजा मिल सकती है आपको कितनी मिल सकती है, 1 साल तक की सजा मिल सकती है, और इसके साथ में प्लस में फाइन रहेगा, फाइन साथ में रहने वाला है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि ये सजा होगी कैसी, ये आपकी रिग्रेस होगी या सिंपल होगी, आरआई होगी या सिंपल होगी। भैया जहाँ नहीं दे रखा वहाँ कोर्ट की मर्जी है, ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन दे सकता है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ डिफाइन नहीं किया गया है वो ईदर डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर 3 था वो कवर हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ चैप्टर 3 तक आपको कोई भी इशू हो, तो छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। अगेन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट में, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डील चैप्टर फोर डील करेंगे, जो स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है, बहुत ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना सारा पूरा सीरीज, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज़ भी।